Hey guys, welcome back to another video. Time almost 6 बजने वाले हैं और as usual अपना break हो गया, refresh हो गए. चाय रूम में अपन ने मंगवा ली थी, बहुत बढ़िया चाय थी और कौन बहुत ही तगड़े थे. तो अभी फिलहाल सोचा है कि चलते हैं, डीजल डलाना है एक तो, और दूसरा जरा जमशेदपुर को देख के आते हैं यार. टाटा नगर बोलते हैं जमशेदपुर को. फर्स्ट प्लान इंडस्ट्रियल सिटी है आई थिंक इंडिया की, और टाटा ने ही बसाई हुई है सारी फैक्ट्रीज वगैरह, सब कुछ टाटा का ही है यहाँ पे. तो देख के आते हैं. बाकी जितना मुझे पता है ना, यहाँ पार्क्स बहुत सारे हैं, इको पार्क, ये पार्क, वो पार्क, पता नहीं दुनिया भर के पार्क हैं, तो उनको देखेंगे. बाकी ऐसा कुछ अपने होटल से नज़ारा है. नेशनल हाईवे पे ही है बिल्कुल. और ये देखो आप फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज. सनसेट होने वाले हैं तो रूम की हालत थोड़ी ख़राब है. चलते हैं थोड़ा घूम के आते हैं. कुछ खास ये वीडियो बनेगी नहीं, बट चलते हैं दिखा देते हैं क्या कुछ कर रहे हैं जमशेदपुर में अपन. मोदी पार्क और एक जुबली पार्क. मोदी पार्क को कुछ कहते हैं डायमंड शेप का है तो वो कर सकते हो कंसीडर, या फिर जुबली पार्क. जुबली पार्क या मोदी पार्क. हाँ, बाकी सब अभी बंद हो जाएगा. जैसा मुझे पता था पार्क होता है यहाँ पे. चलो फ्लोर है ये, तो 4 बजे बंद हो जाता है. तो भाई अभी अपन ने डेस्टिनेशन लगा दिया है सर दोराबजी पार्क, जिसको बोलते हैं मोदी पार्क. और शाम के टाइम क्योंकि 6 बज गए ऑलमोस्ट, तो एक ये मोदी पार्क और दूसरा जुबली पार्क ये खुले मिलेंगे, बाकी तो सब बंद हो गया होगा. पहले फ्यूल लेना है क्योंकि रेंज बच गई है सिर्फ 34 किलोमीटर. तो फ्यूल भी रास्ते में से डलवा लेते हैं. और अपने होटल से 9 किलोमीटर मोदी पार्क. ये बर्गर वर्गर छोड़ो, देखो टाटा नगर. क्वेश्चन पूछूंगा कल. जमशेदपुर को बोलते हैं टाटा नगर. टाटा नगर, टाटा नगर, टाटा नगर है ये. बाय बाय दक्कर, बाय. क्वेश्चन पूछूंगा ना, गलत बताया तो रास्ते में यही उतार दूंगा, वापस ट्रेन में बिठा दूंगा दिल्ली की. जमशेदपुर टू दिल्ली की ट्रेन में बिठा दूंगा. हाँ वही ड्राइवर मिलेगा जो यही घूम रहा है अपना इंजन लेके. फर्स्ट प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी है इंडिया की जमशेदपुर. बहुत ही अच्छी एडवांस सिटी है, ऐसी बात नहीं है. तो सब कुछ मिलेगा यहाँ, सब कुछ. दिख नहीं रहे टाटा का लोवा यूज हो रखा है सब जगह, ये देखो. सब टाटा का है, अभी लेके चलूंगा दिखाऊंगा तुम्हें मैं. 3 दिन बाद गाड़ियों के शोरूम देख के ना अच्छा सा लग रहा है. सारे ब्रांड के शोरूम है, वरना कहीं हमको यूपी में भी खैर बार बार से आए थे और बिहार में तो एक भी नहीं दिखा हमको, और फिर झारखंड में और भी कहीं नहीं दिखे शोरूम कार के. यहीं से लाते होंगे, यहीं पे देखे हैं सब, यहीं से लेके जाते हैं. हाँ, शायद वहाँ पे जो है नहीं, या तो टाटा की बिकनी चाहिए कार्स बस. कहाँ पहुँच गए यार, भारत के किस कोने में आ गए हम. ये देखो टाटा के सीमेंट मिक्सर लाइन से लगे पड़े हैं, फैक्ट्री से आए हुए हैं सारे बन के. यहाँ होगी इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कितने हैं. मस्त लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है. बहुत टाइम बाद ऐसे लग रहा है, बहुत टाइम बाद बड़ा शहर देखा है. इस सिटी की सारी रोड्स वगैरह भी टाटा ही आई थिंक मैनेज करता है, मेंटेन करता है. सारे सारा काम टाटा का ही है यहाँ पे. ये देखो क्या नज़ारा है लेफ्ट में यार, पहाड़ भी हैं इधर पूरे, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार. अच्छा लग रहा है ना, रोड्स देखो भाई क्या सही रोड्स हैं यार सिटी के अंदर. ग्रीनरी तो खैर है ही झारखंड में बहुत, बट रोड्स भी बहुत ही बढ़िया हैं. पूर्विक सिंह कहाँ दिल्ली से आने के बाद कहाँ शाम को 6 बजे जमशेदपुर की लोकल गलियों में घूम रहे हो अंदर. ये तो होता है एक्सप्लोर करना सिटी को, वरना आप आते हो फ्लाइट से ट्रेन से तो असली चीजें एक्सप्लोर नहीं करते हो. फिर तो क्या है, अम्यूजमेंट पार्क चले गए, जू चले गए, मेन मेन जगह चले गए. असली मजा तो इस सिटी देखने का है ना, सड़कें, घर, मार्केट. अपनी गाड़ी से मजा ही अलग है घूमने का, देखने का. लोग भी हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट को देख रहे हैं कि दिल्ली वाले कहाँ घूम रहे हैं गलियों में. मजा ही इस चीज का है भाई, मजा. पेट्रोल पंप मिल जाए बस, रेंज इज 24 किलोमीटर.
आ गया भाई, गाड़ी की पेट पूजा कराई जाए। बहुत पीती है भाई ये गाड़ी, बहुत प्यासी है। 11 की एवरेज दिखा रही है, 10:30 की दी होगी आज तो। ब्रेजा तो सिर्फ सूंघती थी। सही बात है। ये रहा वो बड़ा मंदिर, कौन सा मंदिर है? ब्रेजा तो तेल सूंघती थी, डाइटिंग में रहती थी वो हमेशा। ब्रेजा ने तेल कभी नहीं पिया भाई, ये तो खून से चलती है। कहते हैं जीरो, ठीक है कर दो चालू डीजल। कितना आया? 50 लीटर आ गया ना। 10 की एवरेज दिए, 10.74 की माइलेज आई है भाई। अब क्योंकि गाड़ी हमने चलाई ऐसे, रोड भी ऐसे थे, और इतनी देती है भाई। ढंग से चलाओगे ना तो ऑल टेरेन टायर्स के साथ ये 11 के आसपास ही माइलेज देगी। तो माइलेज के पर्सपेक्टिव से मैं बार बार माइलेज इसलिए बताता हूँ क्योंकि भाई बहुत कमेंट्स स्कॉर्पियन के जो ग्रुप्स हैं ना, जो उसमें पोटेंशियल बायर्स हैं, सबका पहला क्वेश्चन होता है भाई माइलेज कितनी देगी गाड़ी, माइलेज कितनी देगी। और लोग बातें करते रहते हैं भाई 16 देती है, 17 देती है, 18 देती है। भाई नहीं देती ये गाड़ी। ऑटोमेटिक लोगे और फोर व्हील ड्राइव ले लोगे तो भाई आपको 14 दे देगी मैक्सिमम, अगर आप स्टॉक टायर्स पे चलाओगे। हाँ गाड़ी भारी होगी, अगर आप स्टॉक टायर्स पे चलाओगे तो मैक्सिमम 14 देगी आपको प्यार से चलाओगे, अगर आपने ऑल्टरनेट टायर्स लगवा लिए हमारी तरह। क्योंकि भाई इस गाड़ी को मांगता है ऑल्टरनेट टायर्स फोर व्हील ड्राइव में। तो फिर भाई ये 11-12 ही एवरेज देगी। मैं ज़्यादा भगाता नहीं हूँ, आपने अगर मेरी पूरी सीरीज ये देख रहे हो गया आप, तो मैं 100 के ऊपर लेके ही नहीं गया हूँ गाड़ी। तो भी देख लो 11-12 ही एवरेज आ रही है भाई। बढ़िया सिटी है यार, मस्त, इतने प्यारे रोड्स हैं यार, मज़ा आ रहा है। मार्केट भी लगी हुई है सामने, ये सब्जी मंडी टाइप मार्केट है, स्नैक्स वगैरह वाले भी खड़े हैं। खैर प्रॉपर खाऊ गली टाइप, खाऊ गली। तो बढ़िया लग रही है यार, सिटी अच्छी लग रही है, पूरा मतलब शहर एक नंबर लग रहा है। और खासकर जब आप यूपी बिहार और झारखंड के उन इलाकों से आ रहे थे ना जहाँ पे ढाबे भी नहीं थे, वेस्ट बंगाल, हमें पूरे दिन में ढाबा भी नहीं मिला एक भी खाना खाने को। उसके बाद ये चकाचौंध देख कर ना दिल गदगद हो गया। क्यों जी, हो गया? नहीं हुआ। कभी तो बोल लो भाई, कभी तो। बाइक वाले गिर गया भाई, और स्कूटर वाला। चलो शोरूम इतना बड़ा महल है क्या? म्यूजियम टाइप ही है ना भाई, कोठी है किसी की 34 नंबर। तो स्टेडियम है यार, क्रिकेट स्टेडियम आ गया क्या? मोदी पार्क ये पहुंच गए, सर दोराब जी टाटा पार्क, मोदी पार्क पहुंच गए हैं, सर दोराब जी टाटा पार्क, हो जा फोकस। ये देखो यहीं से डायमंड दिख रहा है, पूर्विक यहाँ से देखो डायमंड, कलर भी जल रहा है, लाइट भी जल रही है, मतलब वाओ सुंदर बनाया हुआ भाई। मस्त लग रहा है भाई। ये लो जी 2020 में बना है ये, मिस्टर टीवी नरेंद्र। अच्छा टाटा स्टील, सब कुछ टाटा का ही है भाई। यहाँ देखो क्या स्काई लग रहा है यार, टाटा सीमेंट है ये। ये भी सीमेंट भी इन्हीं की होगी। क्या मस्त लग रहा है ये बोर्ड। चलो ये अच्छे भी वही जो, हाँ सब टाटा का है। ये देखो एवरीथिंग इज टाटा। पढ़ लो भाई की कौन बनी हुई है, देखो पूरे मुझे पता नहीं, पढ़ना पड़ेगा भाई। स्काई देखो यार, कलर्स देखो, मजेदार जगह है यार, गर्मी भी नहीं है ज्यादा। Thank you.
डायमंड ये डायमंड उसी का नहीं है, ये जो स्टील यूज हुआ है सब टाटा का यूज हो रखा है। ये हाँ स्टील है, ये सब टाटा का है, सब टाटा, एवरीथिंग इज टाटा, एवरीथिंग। अरे टाटा सीमेंट, टाटा स्टील, लाइट भी टाटा की, सब टाटा है। देख लो स्टील ही स्टील है भाई, पढ़ लो। अब इन लोगों के पास चलते हैं। 45 मेट्रिक टन का है, 12 मीटर हाइट है इसकी। मैं बोल रहा हूँ स्टील का है सब कुछ, तुम मुझे लल्लू समझ रहे थे। वो भी टाटा के ही फैमिली से कोई होगा यार। आ जाओ चलो। डायमंड शेप के बना दिए। चलो अब चलते हैं। अब सही ऑब्जर्व किया। जुबली पार्क, बाकी वो खड़ा अपना टैंक सामने देखो। अरे उस पे नहीं चलना, ग्रास पे पूरा नहीं चलना, ग्रास पे नहीं चलना भाई। वो रहा कीमन स्टेडियम के सामने, क्या नाम है स्टेडियम? कीनन स्टेडियम। ये जुबली पार्क ही है लेफ्ट में पूरा, और राइट में भी ये कुछ है बड़ा सा, बड़ी अच्छी सी लाइट जल रही है, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। लोगों ने तो ऐसे रोड पे कर रखी है खड़ी, बट अपन रिस्क ले नहीं सकते भाई। गाड़ी क्या है पता नहीं, देख भी नहीं रहा, लाइटें बढ़ रही है ना, यहाँ कुछ है बीच में सेंटर में, लोग गए हुए हैं इसमें भी अंदर भाई। जुबली पार्क की तो पार्किंग अपने को मिली नहीं, और रोड पे हम खड़ी करना चाह नहीं रहे थे गाड़ी, क्योंकि पता नहीं रहता ना भाई दूसरी सिटी में कि कहाँ खड़ी करनी है कहाँ नहीं। बाकी अब डिनर के लिए अपन चलते हैं बर्गर किंग, पी एंड एम मॉल है एक, 5 किलोमीटर से यहाँ से, वहाँ चलते हैं बर्गर खा कर फिर होटल में चल के रेस्ट करेंगे। बाकी भाई सिटी बहुत ही बढ़िया लगी अपने को, रोड से एक नंबर है। वैसे वहाँ पे टेक अवे लेंगे क्या? नहीं देख लेंगे, बैठने की जगह हुई तो वहीं बैठ के खाएंगे आराम से। स्काई का कलर देखो यार, पिंकिश कलर आ रहा है, बहुत ही तगड़ा। हाँ ऑरेंज पिंकिश क्या लग रहा है यार स्काई, मजेदार भाई बहुत ही बढ़िया। और साइड में इधर माउंटेन्स हैं, अपने साइड में चल रहे हैं, सारे माउंटेन्स की रेंज है जो भी है। इधर एक लेक भी है बड़ी सी, हाँ एक लाइट जल रही है टॉप पे, वो मंदिर ही होगा मोस्ट प्रोबेबली शिव जी का। भोले ऊपर ही बैठते हैं आराम से नीचे यूनिवर्सिटी। अरे उनको मेडिटेशन करना होता है नीचे, तुम्हारे जैसे बच्चे रहते हैं शोर शराबा करते हुए। समझे? नहीं भाई। ये लेफ्ट में आ गया टॉप MBA के कॉलेज XLRI जमशेदपुर, उसी का है कैंपस। स्काई तो यार कमाल ही लग रहा है, कमाल। भाई मतलब एक चीज तो हमने नोट करी कि यहाँ रेड लाइट्स बहुत ही कम है, इनफैक्ट मुझे तो दिखी नहीं है रेड लाइट अभी तक इस वाले इधर एरिया में, कब से घूम रहे हैं हम चंडीगढ़ की तरह। हाँ चंडीगढ़ की तरह हर जगह यहाँ पे राउंड अबाउट्स बना रखे हैं, बहुत ही तगड़े तरीके से प्लान कर रखी है भाई सिटी तो। बड़े बड़े बंगलोज हैं इस वाले रोड पे तो, और बीच में मतलब प्रॉपर पौधे लगा रखे हैं, ग्रीनरी है, देखते देख ही रहोगे आप वीडियो में, सब जगह राउंड अबाउट ही हैं, कहीं पे रेड लाइट बनाई रखी, बहुत ही कम होंगी रेड लाइट्स, मेन हाईवे वगैरह पे ही है मेरे ख्याल में। एक नंबर भाई, एक नंबर शहर, मार्केट ही मार्केट चले जा रही है यार, और सारे ब्रांड्स हैं एक से बढ़कर एक, सब ब्रांड्स हैं सब, मतलब कमाल ही कर रखा है यार। मार्केट खत्म ही नहीं हो रही, कब से चल रही है, 1 किलोमीटर से ऊपर हो गया है। अलाहाबाद फूड हाउस, सब ब्रांड्स हैं यहाँ। मॉल ही रही है क्या? मॉल भी आने वाला है, यही है।
बहुत बड़ा मॉल है, बड़ा मॉल है, लेकिन एंट्री का है नो पार्किंग, नो पार्किंग तो लगा रखी है। क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसे क्यों डर गया ये है? कैसा था, डर गए? ऐसे क्या लोग खड़े थे अंदर, पकड़ के मारते, ऐसे डर के आ रहे हो बताओ? एंड में सब चीखते हुए निकल रहे हैं बाहर। भाई ये रूफ ये बहुत लो है, रूफ कैरियर लगेगा ही लगेगा, रिवर्स में लेनी पड़ेगी। और अब इतनी गंदे लेवल पे अपनी गाड़ी लगी पड़ी है कि रिवर्स में जाने मुश्किल है। देखता हूँ करते हैं कुछ। ओ बच्चे हट जाओ भाई, भाई गाड़ी अपनी नहीं जा सकती, ये ध्यान रखना पड़ेगा।